सो हे गाइज वेलकम बैक टू जे के स्टूडेंट लर्ड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस टेंथ इलेवंथ एंड ट्वेल्थ क्लास के लिए कितने पासिंग मार्क्स जो हैं वो रहने वाले हैं और आपको मैं इस सब वीडियो में बताऊंगा कि आपके जो ग्रेस मार्क्स हैं वो आपको कितने मिलते हैं और क्या टर्म्स कंडीशन होती हैं जेके बोस की आपको ग्रेस मार्क्स देखने देने के लिए ठीक है तो चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नोटिफिकेशन बेल होगी उसको ऑल पे सेट कर सकते हो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो पिछले साल का है नोटिफिकेशन आया था मिनिमम और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं एच एस ट्वेल्थ के लिए ठीक है इसी में आपको टेंथ का बताया जाएगा इसी में आपको इलेवंथ का भी माना जाएगा ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि थर्टी जो मार्क्स हैं वो जर्नल इंग्लिश में चाहिए दैट इज़ कि आपको थर्टी जो है वो टोटल मार्क्स चाहिए Uh, आपके इंग्लिश में मतलब कि इंग्लिश का पेपर आपका सबका जो है वो एटी मार्क्स का ही होता है और ट्वेंटी आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है फिर वो टेंथ हो इलेवंथ हो या ट्वेल्थ हो ठीक है और बाकी जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको थर्टी सिक्स परसेंट जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए अब जैसे आपका एट्टी मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें आपके पासिंग मार्क्स जो है वो थर्टी के हिसाब से ट्वेंटी होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेंथ क्लास में हो इलेवंथ में हो ट्वेल्थ में हो आप सबके इंग्लिश के जो पासिंग मार्क्स हैं वो ट्वेंटी होने चाहिए सो दैट की एट्टीन में से आपको पास कर दिया जाए ठीक है तो ट्वेंटी सिक्स मार्क्स जो है आपके पासिंग मार्क्स इंग्लिश के हो गए बाकी अब जैसे जैसे आप देख रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया ये सब का आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इलेवंथ और ट्वेल्थ के लिए होती है और दोनों का जो है यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है आप देख सकते हो कि जस्ट आपका जो पासिंग मार्क्स है वो ट्वेंटी है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि यह आपका टोटल थर्टी सिक्स परसेंट होता है ठीक है अब मैथ है तो वहाँ पे आपके थर्टी सिक्स होने चाहिए तो फिर आपको पास कर दिया जाएगा अब जो इलेवन टेंथ uh, वाले हैं उनके सब सब्जेक्ट एटी मार्क्स के हैं तो उनका हर सब्जेक्ट में आपको ट्वेंटी सिक्स है लाना फिर आप पास हो जाओगे ठीक है और उसके बाद इलेवंथ का और ट्वेल्थ का एक सेवन टी मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आप जोग्राफी पोलिटिकल साइंस एजुकेशन फिलासफी देखो साइकोलॉजी देखो होम साइंस देखो सोशोलॉजी देखो एंटरप्रेन्योरशिप देखो अकाउंटेंसी देखो बिजनेस स्टडीज देख लो बिज़नेस मैथमेटिक्स देख लो टाइपिंग का आपको पता है फिफ्टी में से आपका पेपर होता है सो so ये है सब सब्जेक्ट जो है आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ से देख सकते हो लास्ट जब सब्जेक्ट है आपका वो फिजिकल एजुकेशन है फिजिकल एजुकेशन ट्वेल्थ वालों का सिक्सटी मार्क्स का होता है तो यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है पास होने की वो जस्ट आपको पंद्रह सॉरी ट्वेंटी टू मार्क्स जो है वो लाने होते हैं ठीक है इसी के साथ आपको लास्ट में पैराग्राफ मिलेगा जिसमें आपको साफ साफ लिखा गया है कि आपको जो है वो जो प्रैक्टिकल होते हैं वो अलग से पास करने हैं और जो आपका थ्योरी क्वेश्चन पेपर है वो आपको अलग से पास करना होता है और थ्योरी में अगर आप फेल होते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी जो है वो पासिंग मार्क्स देके हैं या कुछ भी पास नहीं किया जाएगा टोटली जो है आपको जितने मार्क्स आते हैं उतने दिए जाते हैं ठीक है अब उसके बाद मैं आपको एक जो पॉइंट है वो पढ़वा रहा हूँ जिसमें आपको ग्रेस मार्किंग की इनफॉमेशन दी हुई है तो ग्रेस मार्किंग के लिए क्या होता है कि जैसे आपका टोटल जो है जब रिजल्ट कंपाइल होता है तो अगर उसमें देखा जाता है कि अगर आपको वन सब्जेक्ट में या फिर मोर देन टू सब्जेक्ट में जो है आपको देखा जाए मोर देन वन सब्जेक्ट में अगर आपकी डेफिशिएंसी जो है वो फाइव मार्क्स होती है सिर्फ पाँच मार्क्स आपके कम है टोटल जो है आपको पासिंग के लिए कि आपका रिजल्ट जो है वो पास हो रहा है तो आपको दिए जाते हैं अब देखो पासिंग मार्क्स कैसे दिए जाते हैं अगर एक सब्जेक्ट में पाँच है आ, कम है टोटल सब्जेक्ट में पाँच है तब भी आपको दिए जाएंगे या फिर मोर देन वन सब्जेक्ट मतलब कि दो सब्जेक्ट में आपके डेफिशिएंसी पाँच है तब भी आपको दे जाएंगे मगर इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपके इंग्लिश में पाँच है फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट है दूसरा आपका सोशलॉजी सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में पाँच कम है सोशलॉजी में पाँच कम है तो पाँच पाँच दोनों में मिलेगी नो no. ऐसा नहीं होता या फिर आपका क्या होता है कि जैसे पाँच सब्जेक्ट आपके कोई जैसे इंग्लिश और सोशलॉजी में आपके पाँच पांच कम है ठीक है तो आपको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का दे देंगे पांच मार्क्स और फिर सोशलॉजी रहने देंगे ऐसा नहीं है टोटल आपका पांच मार्क्स का लॉस होना चाहिए या फिर आपका जो एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर लॉस है वो पांच होना चाहिए अगर आपके चार पास हो रहे हैं सब्जेक्ट और लास्ट आपका सोशलॉजी है जिसमें आपको पांच मार्क्स चाहिए तो पांच देख के आपको पास किया जाएगा और अगर आपके तीन पास हैं दो फेल हैं जिसमें आपको है कि सोशलॉजी में दो नंबर चाहिए और इंग्लिश में तीन नंबर चाहिए तब भी आपको तीन पास दो करके पांच ऐसे करके मार्क्स देके पास करने की जगह वो पूरी कोशिश करता है तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी समझ में आ गई ऑल द बेस्ट अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके चेक कर लो बहुत आसान से आपको समझा दिया ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो